चलो वी विल स्टार्ट विद द गवर्नेंस, ठीक है ना। गवर्नेंस समझेंगे कि भाई देखेंगे कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है और अपन को कहाँ मूव करना है। बट उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ मैं आपको, इसमें हमको क्या पढ़ना है गवर्नेंस में। इस वाले लेक्चर में अभी हम समझेंगे कि भाई गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है ना। गवर्नेंस का इवोल्यूशन देखना है कि भाई ये गवर्नेंस का कंसेप्ट कहाँ से आया, फिर गवर्नेंस का मीनिंग क्या है ना, मीनिंग समझेंगे कि भाई हाँ ये मीनिंग क्या है। दूसरा देखेंगे कि भाई कैसे ये डिफ़र करता है अपना गुड गवर्नेंस से, गुड गवर्नेंस क्या होता है, इफ़ेक्टिव गवर्नेंस क्या होता है ना। पहले गवर्नेंस आएगा, गवर्नेंस के बाद हम मूव किए कहाँ पर, गुड गवर्नेंस पर, गुड गवर्नेंस के बाद इफ़ेक्टिव गवर्नेंस पर। तो ये सब समझेंगे कि भाई आखिर ये कंसेप्ट क्या है, ठीक है। फिर देखेंगे हम क्या इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के साथ साथ मीनिंग, मीनिंग में अभी आपको बता दूंगा क्या मीनिंग है, और फिर इसमें इसके कुछ फीचर्स वगैरह, फीचर्स एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है ना, स्ट्रेटजीज फॉर गुड गवर्नेंस, ये वगैरह ये सारे पॉइंट, ये सब हम देखेंगे। फिर यहाँ से जब हम आगे मूव करेंगे तो इसके कुछ फीचर्स में जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब आ जाएगा। तो वो सब सेपरेट लेक्चर्स में हम वन बाई वन करके करते चलेंगे। तो यहाँ पर हम सारा सिलेबस में जो भी चीज़ें दी हुई है, जैसे रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, समझ में आ गया, फिर ये गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो वो जैसे जैसा वो दिया हुआ है हम वैसे ही ऑर्डर तो फॉलो नहीं करेंगे, बट हाँ जहाँ जहाँ पर जो चीज़ हमको लगे कि भाई ये वाला टॉपिक हमको अभी पढ़ लेना चाहिए वो हम चालू कर देंगे, ठीक है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज वगैरह ये सब इसी में आता है, तो ये सब हम चालू करते हैं। क्या है भाई आखिर ये गवर्नेंस का कंसेप्ट क्या है, और ये क्या है इसका मीनिंग, और इसका इवोल्यूशन क्या है, ये सब हम समझते हैं, ठीक है। अब देखो एक टर्म है यहाँ पर गवर्नेंस, है ना, गवर्नेंस। अब गवर्नेंस का मतलब क्या है, अगर हम बात करें भाई ये टर्म है, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है कहाँ पर, इसका अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो वैसे एंशियंट समय में भी, एंशियंट समय में भी हमने अर्थशास्त्र में हमको ये मेंशन होता है, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में भाई गुड गवर्नेंस की बात की गई है, समझ में आ गया। यहाँ पर गुड गवर्नेंस की बात की गई है ना, अर्थशास्त्र टॉक्ड अबाउट गुड गवर्नेंस, ठीक है भाई। वहाँ पर वो बोलते हैं ना कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है, तो भाई मतलब वो क्या बोलता है कि भाई वो बोल रहे हैं कि भाई गुड गवर्नेंस होना चाहिए, उसका इम्प्लाइड मीनिंग तो यही होता है कि प्रजा की हित, प्रजा का हित मतलब अगर सब कुछ ऑल वेल है, अगर आपकी सब्जेक्ट के लिए, तो फिर किंग के लिए भी वो सब कुछ अच्छा ही माना जाएगा, समझ में आ गया। तो भाई हाँ वहाँ पर ऐसे बहुत सारे हमने देखा है कि भाई वहाँ पर वो ड्यूटीज़ की बात किया है, ड्यूटी रोल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ किंग, ड्यूटीज़ ऑफ किंग की बात किए हैं वो, है ना। तो वहाँ से हमको बताया जा रहा है कि भाई प्लस वहाँ पर वो रूल की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ जैसे चीज़ों की बात करते हैं, बट धर्मशास्त्र की बात नहीं कर रहा है वो। बट किंग जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसके असिस्टेंस पर किंग काम करे, एडवाइजरी रोल हो, हाँ भले ऑथोराइज था, पावर पूरी सेंट्रलाइज थी, बट फिर भी रूल ऑफ लॉ मेंटेन करके चलते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, प्लस इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी थी उनकी, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, स्वाइंग वगैरह सब कुछ वो अरेंज करके रखते थे, मतलब एक प्रॉपर गुड गवर्नेंस का स्थापना उस समय था, समझ में। तो ऐसा नहीं है कि ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है ये एंशियंट कंसेप्ट, बट फिर भी हम जो समझते हैं वो एक मॉडर्न कंसेप्ट है ना। अब मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस क्या है ना, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस क्या है ये हमको समझना है, ठीक है ना। मॉडर्न कंसेप्ट में ये 1980s से लेकर के 80s और 90s में इसका इवोल्यूशन होता है ना, यहाँ से ये इमर्ज होता है। उसके बाद 2005 तक आते आते हम यहाँ तो हमने गवर्नेंस समझ लिया, गवर्नेंस का कंसेप्ट आ जाता है, फिर 5 के आसपास से हमको गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट आने लगता है, समझ में क्या। अब देखेंगे कि ये सब क्या चीज़ है, बट उसके पहले समझ तो लें कि गवर्नेंस का मतलब क्या होता है ना। इवोल्यूशन पे आएंगे वापस कि भाई क्या है इसका मतलब, इवोल्यूशन का मतलब बाकी उसको बाद में देखेंगे, अभी हम क्या कर लें पहले कंसेप्ट समझ लें, है ना। कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट ऑफ, तो वापस से आ जाएंगे इवोल्यूशन पे, कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस का कंसेप्ट समझना है हमको, तो अब एक चीज़ समझो, गवर्नेंस मतलब क्या होता है, टू गवर्न, है ना। गवर्नेंस का मतलब तो हम यही समझ रहे हैं भाई, एक तरफ लिख दिया मैंने गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब क्या है, गवर्नेंस का मतलब है टू गवर्न,
टू गवर्न। हाँ, अब गवर्न करना है, कंसेप्ट का मतलब यही होता है टू गवर्न, और गवर्न कौन करती है? गवर्नमेंट। तो भाई यहाँ पे लिख दो बाई गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट ही तो गवर्न करती है। अब एक बात बताओ, अब ये हम बोलते हैं गवर्न करना, मतलब किस चीज़ की गवर्न की बात कर रहे हैं हम? तो सबसे पहले यहाँ पे समझो, जब मैं गवर्न की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको गवर्न करना है किसको? पब्लिक अफेयर्स को, पब्लिक अफेयर्स को, ठीक। पब्लिक अफेयर्स को गवर्न करने को ही हम क्या बोलते हैं? गवर्नेंस, ठीक है। अब पब्लिक अफेयर्स में समझो, अब पब्लिक अफेयर्स का मतलब क्या है कि क्या पब्लिक अफेयर्स को गवर्न करना है? मतलब जो भी कंसर्न है, है ना, जो भी कंसर्न है प्लस एंड प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं किसके, वो किसके हो सकते हैं? वो सिटीजन्स के हो सकते हैं, वो कोई भी स्टेक होल्डर्स हो सकता है। स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, समझ में आ गया? जैसे कि एनजीओ हो सकता है, सिविल सोसाइटी हो सकती है, प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं, वॉलंटरी ग्रुप हो सकते हैं, समझ में आ गया? तो भाई कोई भी ऐसी स्टेक होल्डर्स, उनकी कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? पब्लिक अफेयर। उसी पब्लिक अफेयर को क्या करना है? गवर्न करना क्या कहलाता है? गवर्नेंस। मतलब दूसरी भाषा में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई क्या होता है गवर्नेंस का मतलब? टू कंट्रोल, है ना, हम कंट्रोल करने की बात भी करते हैं। किस चीज़ को कंट्रोल करना? भाई इन्हीं चीज़ों को, सिटीजन्स को एंड स्टेक होल्डर्स को, है ना, इनकी प्रॉब्लम्स को, इनकी सॉल्यूशन के लिए कुछ करना, इसी को बोलते हैं हम क्या? टू कंट्रोल सिटीजन्स एंड स्टेक होल्डर, ये भी हम बोल सकते हैं। हाँ, ये भी गवर्नेंस में आ जाता है। फिर थर्ड एस्पेक्ट क्या है गवर्नेंस का? थर्ड एस्पेक्ट ये है कि भाई देखो, यहाँ पर तीन स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है ना, अभी देखेंगे क्या है ये, पर अभी के लिए समझो क्या तीन स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे कि तीन स्टेक होल्डर्स में एक बोल रहा हूँ मार्केट, है ना, दूसरा मैं बोल रहा हूँ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा मैं बोल रहा हूँ स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। अब ये क्या करती है? मार्केट और स्टेट इसको कंट्रोल करती है, स्टेट को, है ना, कंट्रोल, ठीक। तो ये भी क्या काहे में आ जाता है? ये भी आ जाता है आपका गवर्नेंस में। तो गवर्नेंस का मतलब क्या है कि भाई पब्लिक अफेयर्स को क्या करना? एड्रेस करना, पब्लिक अफेयर्स को गवर्न करना, समझना क्या मतलब? जो सिटीजन्स और स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करना ही क्या है? गवर्नेंस, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, कंट्रोल करना किसको? एक दूसरे को कंट्रोल करना। ज़्यादातर स्टेट कंट्रोल करता है किसको? यहाँ पर मैंने बोला ना कि ये कंट्रोल करेगा किसको? स्टेक होल्डर को। पहला पॉइंट क्या था? ये कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर स्टेट है एक तरफ और दूसरी तरफ मार्केट है और CSO है, स्टेट इनको कंट्रोल करता है, समझा गया, मार्केट को और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरी तरफ ये लोग मिलकर के कंट्रोल करते हैं किसको? स्टेट को। ये भी क्या है? ये भी आपका क्या है? ये भी गवर्नेंस होता है, समझ में आ गया? मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि गवर्नेंस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। हाँ, गवर्नेंस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, क्लियर? पब्लिक अफेयर्स बोल सकते हैं, सिटीजन्स अफेयर्स बोल सकते हैं, सिटीजन्स अफेयर्स बोल लो आप। लेकिन अब जब हम पब्लिक अफेयर्स बोलते हैं तो वो ब्रॉडर टर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें ये सारे स्टेक होल्डर्स को वो इन्वॉल्व कर लेता है, समझ में क्या? अब देखो, अगर गवर्नेंस के लिटरल मीनिंग की बात करें, गवर्नेंस का मतलब होता है टू स्टीयर। स्टीयर मतलब गाड़ी होती है, गाड़ी का जो स्टीयर होता है, मतलब वो अगर आपके कंट्रोल में है तो सब कुछ सही तरीके से चलेगा। तो वही बोलते हैं गवर्नेंस मतलब स्टीयर। स्टीयर मतलब इसी को आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, समझ में क्या? तो भाई उसी चीज़ की बात कर रहे हैं ये, गवर्नेंस मतलब टू स्टीयर। स्टीयर मतलब आपको पता है कि भाई हाँ क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो, अभी मैं बात कर रहा था स्टेक होल्डर्स की, तो यहाँ पे समझो गवर्नेंस में क्या होता है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, है ना, स्टेक होल्डर्स ऑफ इन गवर्नेंस, है ना। देखो सबसे इम्पोर्टेंट की होल्डर कौन है, सबसे की एक्टर कौन है इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट की एक्टर है वो है आपका स्टेट, ठीक है। स्टेट है मतलब कौन है? गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा अदर्स, अदर्स किसको बोल रहे हैं? अदर्स में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, है ना, इंटरेस्ट ग्रुप्स आ गए, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, मीडिया हो गई, एनजीओज हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, ठीक है ना, ये सब क्या हो गए? अदर स्टेक होल्डर्स हो गए, ठीक है ना, सिटीजन्स हो गए,
ठीक है ना, सिटीजन्स हो गए, ये सब क्या है भाई, अदर स्टेक होल्डर्स। तो हमने क्या किया, ये अदर्स, ये इतने सारे ग्रुप हैं, सब के लिए हम एक ने ग्रुप कैटेगराइज कर दिया, हमने इन सब को कैटेगराइज कर दिया, हमको सिर्फ 3 यूनिट चाहिए। हमने इन सब को मिला करके, ये जो जितने भी चीज़ें आपने देखी, इन सब को मिला करके हम क्या बोल रहे हैं, हमने इनको कैटेगराइज कर दिया, कैटेगराइज इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक, अब वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन से हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टेक होल्डर्स, है ना। वो स्टेक होल्डर्स हैं आपके कौन कौन, स्टेट खुद, दूसरा मार्केट, और तीसरा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो देख रहे हो ना आप, इन सब को हमने कलेक्टिव रूप में काहे में रख लिया, इसको रख लिया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और एक स्टेट तो था ही, ठीक है ना, प्लस एक और फोर्स है जो यहाँ पर काम करेगी, वो था मार्केट, समझा गया। तो हमको मार्केट को इग्नोर नहीं करना है, मार्केट ही, फिर मार्केट को भी हमको साथ में लेना पड़ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 3 स्टेक होल्डर्स आ गए। अब समझो 3 स्टेक होल्डर्स, ये एक स्टेक होल्डर्स, ये दूसरा स्टेक होल्डर्स, ये तीसरा स्टेक होल्डर्स, समझा गया। मतलब क्या है, यहाँ पर एक तरफ मैं लेता हूँ स्टेट, एक तरफ लेता हूँ मैं मार्केट, और एक तरफ लेता हूँ मैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात बताऊँ, स्टेट का काम क्या होता है, इसका काम ये है कि भाई एक फेवरेबल पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करे, काहे के लिए, मार्केट के लिए और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि ये ढंग से प्रॉस्परस रूप में इमर्ज हो सके, है ना। इसका काम क्या है, इसका काम है क्रिएट करना, क्रिएटिंग फेवरेबल पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट किसके लिए, ये किसके लिए प्रोवाइड करना है, मार्केट के लिए और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, समझ में क्या। आप देखो सिविल सोसाइटी का क्या काम होता है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का, इसका काम होगा लोगों को मोबिलाइज करना, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ टू मोबिलाइज एनजीओज वगैरह किसके लिए काम करते हैं, सब सिटीजन सेंट्रिक ही काम करते हैं, वॉलेंट्री ग्रुप्स जो भी होते हैं, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप्स, ये सब काहे के लिए हैं, सब सिटीजन ओरिएंटेड ही काम करते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसका काम क्या है, टू मोबिलाइज दी पीपल्स पार्टिसिपेशन, ठीक, हाँ हम बोल सकते हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन को मोबिलाइज करना। थर्ड में मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये जो है यहाँ पे मार्केट है, ये इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि भाई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, है ना, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल्स, है ना, पीपल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। हाँ, तो अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये पब्लिक सेक्टर है, ये पब्लिक सेक्टर का मार्केट को देखो, तो एक पूरा मार्केट लेते हैं हम, है ना। अब उस मार्केट में ये प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट होता है कि नहीं होता मार्केट में, हाँ, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। तो अगर मैं बात करूँ गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, स्टेट को, मार्केट को और सिविल सोसाइटी। स्टेट मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है, मार्केट में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, समझा गया। और यहाँ पर ये तो बहुत डाइवर्स ग्रुप है, है ना, तो इसको हम नहीं बोल सकते, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इट्स वेरी डाइवर्स ग्रुप। अभी देखा बहुत कुछ इंक्लूड करता है ये, हाँ, तो ये बहुत कुछ इंक्लूड करता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डाइवर्स ग्रुप है। क्लियर है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, हाँ, स्टेक होल्डर्स हमने समझ लिए कि हाँ भाई ये स्टेक होल्डर्स होते हैं। लेकिन अब गवर्नेंस में इसका क्या रोल है, तो यहाँ पे मैंने बताया 3 स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना, 3 स्टेक होल्डर है, इसको मैं बोल रहा हूँ गवर्नेंस। 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक है मार्केट, एक है आपका सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, और एक है आपका गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, पहली बात कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल के साथ साथ अभी मैंने आपको क्या बताया, इसका रोल क्या है, प्रोवाइड करना लीगल फ्रेमवर्क जहाँ पर रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करना है, है ना, सब कुछ आर्बिट्ररी ना हो, सब कुछ रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलता रहे,
इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इसका काम अभी हमने देखा था कि टू मोबिलाइज पीपल्स, और इसका काम क्या था, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। ठीक, मतलब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली में काम क्या होगा फिर इनका, भाई यहाँ एक तरफ है स्टेट लिख लूँ या फिर इसको मैं लिख लूँ गवर्नमेंट, है ना, या फिर गवर्नमेंट लिख लो इसको, जो भी लिखना हो आप, और एक तरफ है स्टेक होल्डर्स। तो मैं बोल सकता हूँ ये इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, हाँ ये इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं, ये इसको इन्फ्लुएंस करते हैं भाई वेरियस प्रोसेस, जैसे कि भाई वेरियस प्रोसेस, जैसे कि प्रोटेस्ट करना, बंद करना। स्टेक होल्डर्स में तो बहुत कुछ आ गए ना, यहाँ पर तो प्रेशर ग्रुप, वॉलेंट्री ग्रुप, मार्केट आ गया, तो ये सब इसको प्रेशराइज करता है कि नहीं करता, हाँ स्टेट को करता है ना, भाई प्रोटेस्ट कर दो, पब्लिक मोबिलाइज करके आंदोलन लॉन्च कर दो, मूवमेंट लॉन्च कर दो, तो प्रेशर आता है गवर्नमेंट। वहीं पर ये गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करती है, पॉलिसी मेकिंग करके, हाँ पॉलिसी मेकिंग करके, ठीक है ना, पॉलिसी मेकिंग करके इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो भाई गवर्नेंस में क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना, एक दूसरे को कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना, ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं देखो, ताकि डेवलपमेंट आए देश में, समझ में। एक तरफ है इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि मान लो स्टेट एक इंस्टीट्यूशन, और एक तरफ है नेटवर्क एंटिटी, मतलब कौन, स्टेक होल्डर्स। इनके बीच में क्या हो, रिलेशनशिप बढ़े, है ना, इनके बीच में रिलेशनशिप बढ़े, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, गवर्नेंस होता है, ये भी गवर्नेंस है, समझ में आया ना भाई। अब अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बोलूं तो गवर्नेंस इज ऑल अबाउट सोशल कैपिटल, समझ में गया, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नेंस कुछ नहीं है, बस सोसाइटी में ट्रस्ट को बिल्ड करना है, यही रिलेशनशिप बढ़ाना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम आपस में ट्रस्ट बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, समझ में गया। ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट के, तीन स्टेक होल्डर्स अभी देखे, इन तीनों में एक दूसरे को लेकर के क्या होना चाहिए, ट्रस्ट बढ़ना चाहिए, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, गवर्नेंस। तो गवर्नेंस मतलब क्या होता है, गवर्नेंस इज नथिंग बट बिल्डिंग ट्रस्ट और सोशल कैपिटल, समझ में गया ना। तो गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग सोशल कैपिटल, मतलब सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है, सोशल कैपिटल का मतलब ये है कि सोसाइटी में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, उनके बीच में ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़े। सोशल कैपिटल मतलब क्या होता है, ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़े कहाँ पे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, समझ में क्या, अमोंगस्ट स्टेक होल्डर्स। तो समझ में आ गया, गवर्नेंस मतलब क्या है कि भाई आपस में जो भी नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है उनमें क्या हो, ट्रस्टवर्दीनेस हो, समझ में आ गया। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, सोशल कैपिटल का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप हैविंग ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप हैविंग ट्रस्टवर्दीनेस, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, गवर्नेंस बोल देते हैं, समझा गया। तो गवर्नेंस का मतलब क्लियर है ना, कि क्या होता है गवर्नेंस का मतलब, कि भाई हमको रिलेशनशिप बढ़ाना है। अब इजी लैंग्वेज में और अगर बात करो आप, तो देखो ये हैं स्टेक होल्डर्स हैं, एक स्टेक होल्डर, दूसरा स्टेक होल्डर, तीसरा स्टेक होल्डर, एक तरफ कौन, स्टेट, एक तरफ कौन, सिविल सर्विसेज और सिविल सोसाइटी जो होती है, सिविल सर्विसेज बोल रहा हूँ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरी तरफ कौन है, मार्केट। ये क्या करते हैं, इनके बीच में क्या होता है, सर्विस डिलीवरी होता है ना, इनके बीच में क्या होता है, सर्विस डिलीवरी। तो इस सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को ही इम्प्रूव करने का बोलते हैं हम क्या, कि भाई गवर्नेंस है, सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, इसको क्या करना है, इसको इम्प्रूव करना है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, गवर्नेंस। सुन रहे क्या? तो अभी तक हमने क्या देखा कि गवर्नेंस का मतलब क्या है,
समझा क्या, क्योंकि गवर्नेंस का हमने डेफिनेशन समझा कि डेफिनेशन क्या है गवर्नेंस की, है ना, कि किस चीज़ को हम बोलेंगे कि भाई ये गवर्नेंस है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि भाई अब समझो कि डेफिनेशन क्या है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, इतना समझने के बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए सिंपल वर्ड में कि भाई अगर आपको पूछे डेफिनेशन क्या है वर्ड इसकी गवर्नेंस का, तो गवर्नेंस का मतलब सीधे बोलोगे आप, पहला तो डेफिनेशन आपको बता दिया, गवर्नेंस इज नथिंग बट क्या बताया मैंने आपको, बिल्डिंग ट्रस्ट और सोशल कैपिटल इन दी सोसाइटी, है ना। तो मतलब पहला डेफिनेशन क्या है, गवर्नेंस इज ऑल अबाउट पहला इंप्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, दूसरा क्या बताया, बिल्डिंग ट्रस्ट इन द सोसाइटी, बिल्डिंग ट्रस्ट इन द सोसाइटी, फिर मैंने क्या बताया, बिल्डिंग ट्रस्ट इन द सोसाइटी मतलब क्या होता है, बिल्डिंग सोशल कैपिटल, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो भाई रिलेशनशिप बढ़ाना, और नेक्स्ट क्या बोला आपको, गवर्नेंस इज ऑल अबाउट मैनेजिंग पब्लिक अफेयर्स एंड कंट्रोलिंग द स्टेक होल्डर्स, क्लियर है इतनी बात। हाँ, तो यहां तक हमने ये समझ लिया कि भाई ये, अब टेक्निकल डेफिनेशन में उसको देखते हैं क्या है। तो मैं बोल सकता हूँ गवर्नेंस मतलब, गवर्नेंस दो चीज इंक्लूड करता है, ये प्रोसेस भी है, समझ में क्या, और ये इंस्टीट्यूशन, इसमें इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, समझ में क्या, मतलब किसी भी प्रोसेस को लेकर के या किसी भी इंस्टीट्यूशन मतलब एग्जाम्पल अभी आपको बताया मैंने, गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है ना, गवर्नमेंट, तो इनका यूज करके, है ना, अब हम इनका यूज करते हैं काहे में, इनका यूज करते हैं हम काहे में, पहला डिसीजन मेकिंग में और अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं हम, समझ में क्या, एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी मतलब पता है ना आपको, पावर विथ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अथॉरिटी। तो भाई मतलब क्या है, जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं अथॉरिटी को विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोसेस और इंस्टीट्यूशन, समझ में आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो गवर्नेंस है, फॉर डेवलपमेंट पर्पस, है ना, फॉर डेवलपमेंट पर्पस। अब यहाँ पर जब मैं डेवलपमेंट पर्पस की बात कर रहा हूँ, तो डेवलपमेंट पर्पस का मतलब क्या, तो डेवलपमेंट यहाँ पर ब्रॉड कंसेप्ट है, वही चीज इंक्लूड कर लेता है ये जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, ये सारे पॉइंट्स, समझ में आ गया। तो गवर्नेंस क्या है, एक तरीके का प्रोसेस का यूज करके या इंस्टीट्यूशन का यूज करके हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अथॉरिटी फॉर डेवलपमेंट पर्पस, तो उसको हम बोल देते हैं गवर्नेंस है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो वर्ल्ड बैंक इसकी क्या डेफिनेशन देता है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ये टेक्निकल डेफिनेशन है, इजी लैंग्वेज में तो हमने समझ ली, अब टेक्निकल डेफिनेशन में देखते हैं, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या है, गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस एक मेथड है ना, इट्स अ मेथड, ये एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, थ्रू विच पावर इज एक्सरसाइज, है ना, अभी देखा पावर एक्सरसाइज करते हैं, अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं, थ्रू विच पावर इज एक्सरसाइज। अब ये पावर हम क्यों एक्सरसाइज करते हैं, इस पावर का क्यों यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हमको मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है, फॉर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। लेकिन उसको वो कैसे लिखते हैं, फॉर मैनेजमेंट ऑफ, यहाँ पर ये पब्लिक अफेयर्स इंक्लूड करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये सब क्या है, ये रिसोर्सेस हैं। मतलब वो क्या बोलता है, देखो हम क्या कर रहे हैं, ये एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं,
पावर को एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अभी हमने देखा पावर एक्सरसाइज का मतलब यूज ऑफ अथॉरिटी है ना। अब वो कैसे यूज़ करते हैं, किसी भी प्रोसेस या किसी भी इंस्टीट्यूशन का यूज़ करके, यूज़ ऑफ अथॉरिटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक अफेयर्स मतलब किसका मैनेजमेंट करना, रिसोर्सेज का। अब ये रिसोर्सेज पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, लेकिन हम इनका मैनेजमेंट क्यों करते हैं, फॉर डेवलपमेंट पर्पस। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, गवर्नेंस। क्लियर है गवर्नेंस का मतलब, बोलो। मतलब और सिंप्लीफाई अगर करें इसको तो यही बोल रहे हैं ना कि अब यूएनडीपी क्या बोलता है, देखो अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी का मतलब क्या है कि भाई गवर्नेंस क्या है। गवर्नेंस का मतलब होता है एक्सरसाइज करो आप, क्या एक्सरसाइज ऑफ वही चीज, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इनसे रिलेटेड आपके पास अथॉरिटी हो। काहे के लिए, हमको मैनेज करना है ना भाई, टू मैनेज, क्या मैनेज करना है, कंट्रीज अफेयर्स। अब यहाँ पर कंट्रीज अफेयर्स मतलब पब्लिक अफेयर्स, इसके अलावा सब कुछ इंक्लूड कर लिए, समझा क्या। अब वो बात वही है, कोई पब्लिक अफेयर टर्म यूज़ कर रहा है, कोई कंट्री का अफेयर टर्म यूज़ कर रहा है, समझा। बस टर्म यूज़ करने का ही डिफरेंस हो जाता है और कुछ नहीं। एट ऑल लेवल्स हर लेवल पर कंट्री के जो अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करना, किसके द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा, सोशल हो सकती है, इकोनॉमिकल हो सकती है, पॉलिटिकल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जैसे ब्यूरोक्रेसी, समझा। पॉलिटिकल अथॉरिटी मतलब जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह हो गए। इकोनॉमिकल अथॉरिटीज मतलब ये जो कैग वगैरह ये सब हो जाती हैं, ठीक है। और प्लस इन्हीं मैटर को देख लो, अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को एक्सरसाइज करना मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने से रिलेटेड हो सकता है। पॉलिटिकल मैटर्स आपको पता है, इकोनॉमिकल मैटर्स मतलब वही मार्केट वगैरह वाले फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें, समझना क्या। तो भाई ये हमने क्या समझ लिया कि भाई ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिससे हमने समझ लिया कि भाई हाँ, गवर्नेंस का जितने भी तरीके से आप पढ़ो आपको कॉम्प्रिहेंसिव रूप में ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। कि भाई हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मतलब इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है देखो, इसमें क्या होता है, कोई मैकेनिज्म हो सकता है ना, कोई प्रोसेस हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, है ना, ये हो सकते हैं। अब इससे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं हम, और इससे हम क्या करते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं ग्रुप्स होते हैं, समझ गया, क्लियर है। उनके मतलब ये कौन है, ये स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं जिनका इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है ना इनका इंटरेस्ट, इनके इंटरेस्ट को क्या करना है, इनके इंटरेस्ट को हमको सर्व करना है, टू बी सर्व, ठीक है ना। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, गवर्नेंस। क्लियर है। तो गवर्नेंस का अच्छा खासा अपने पास हो गया भाई कि गवर्नेंस का मतलब क्या है, उसका स्टेक होल्डर्स क्या है, ये सब हमने समझ लिया कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं क्या गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में आती है। अब देखते हैं थोड़ा सा इमर्जेंस कैसे हुआ इसका, गवर्नेंस का, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें हम इवोल्यूशन की, अगर मैं बात करूँ कि इसका इवोल्यूशन कैसे हो गया, तो देखो इवोल्यूशन में क्या होता है, ये है इसका इमर्जेंस होता है 1990s में, समझ में क्या। अब देखो क्या होता है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये मॉडर्न बात कर रहा हूँ, एंशियंट वगैरह की बात ही नहीं कर रहा मैं। अब मॉडर्न का हमको समझना है कि मॉडर्न गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जब डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज में क्या चीज़ दिक्कत हो रही थी, 1980s के पहले की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लैक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कम था, समझा क्या भाई। यहाँ पर लैक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समझा क्या, करप्ट प्रैक्टिसेस थे,
करप्ट प्रैक्टिसेस थे, है ना। करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ साथ कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। इनके साथ साथ दिक्कत हो रही थी ना यहाँ पर, कोई नो ट्रांसपेरेंसी, करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ अथॉरिटेरियन था, अथॉरिटेरियन, नो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये चल रहा था, समझ गया। तो इस कंटेक्स्ट में प्लस इसका जो रिसोर्सेस थे उसका भी नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ये चल रहा था। तो इस कंटेक्स्ट में वर्ल्ड बैंक ने ये कंसेप्ट निकाला, केम अप विथ कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस। कब आया था ये आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले 86, 87, 88 ऐसे इस सन के आसपास, और फिर बाद में इसका इवोल्यूशन होता रहा 90s में, ठीक है ना। तो बट अब क्यों आया तो समझ में आ गया ना, किस कंटेक्स्ट में ये कंसेप्ट लेके आते, समझ में गया। तो भाई कंसेप्ट इमर्ज होता है कब, पुअर गवर्नेंस इन, ये मैं बोल सकता हूँ ना कि भाई इसका इमर्जेंस क्यों होता है, इमर्ज्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ पुअर गवर्नेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज। पुअर गवर्नेंस था डेवलपिंग कंट्रीज में, हाँ, उसी के बैकड्रॉप में ही क्या आया है, ये कंसेप्ट आया, समझा गया, ठीक है। अब ये कंसेप्ट में क्या कंसेप्चुअलाइज करती है वर्ल्ड बैंक, देखो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक कंसेप्चुअलाइज करती है, सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही नहीं, इनिशियली वर्ल्ड बैंक, फिर लेटर यूएनडीपी भी हमने देख लिया, है ना, फिर आईएमएफ देखा, आईएमएफ भी इस पर बात करती है, ओईसीडी वगैरह, जो ओईसीडी का जो मैंने भी होता है ना, कैपिटल, सोशल कैपिटल बिल्ड करना ही क्या है गवर्नेंस, वो कौन बोलता है, ओईसीडी बोलता है, समझा गया। ये सोशल कैपिटल वाली जो डेफिनेशन थी वो कौन दे रही थी, ये ओईसीडी से ही आ रही है, समझ में आ रहा ना। तो अब देखो यहाँ पर ये कंसेप्चुअलाइज करता है काहे के लिए, ये कंसेप्चुअलाइज करते हैं फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये बताया जा रहा है, क्या कि भाई क्वालिटेटिव वे में डिसीजन मेकिंग हो, है ना, क्वालिटेटिव वे ऑफ डिसीजन मेकिंग, यही गवर्नेंस है, कि भाई क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग हो। दूसरा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फिर तीसरा क्या है, ट्रांसपेरेंसी हो एंड अकाउंटेबिलिटी हो, है ना। अब ये क्या है, ये सारी चीज़ें अब इनके ऊपर सेपरेट एक एक लेक्चर है, समझ में आ गया। बट अभी आपको तो पता ही होगा जनरल टर्म की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या, ये सब चीज़ ही क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज में आए, इसी को ही गवर्नेंस बोला गया जो वर्ल्ड बैंक लेके आया, तो इसी को वो बोलता है कि यही गवर्नेंस है, आप अपने देश में गवर्नेंस लेके आओ। गुड गवर्नेंस का बात नहीं कर रहा है, वो गवर्नेंस की बात कर रहा है, लेकिन बाद में ये कंसेप्ट चेंज हो गया गुड गवर्नेंस, देखेंगे क्या है। बट अभी के लिए क्या है, कैसे इमरजेंस हुआ, क्या बैकड्रॉप था, ये सब हमने देख लिया, समझ में क्या। तो भाई यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पे बात हो गई हमारी काहे की, इमरजेंस, ठीक है ना, कि भाई यहाँ से हमको इमरजेंस हुआ काहे का, ये जो गवर्नेंस का आखिर में मतलब क्या होता है, क्लियर। अब देखेंगे कि भाई जब इमर्ज हो गया गवर्नेंस में और गुड गवर्नेंस में क्या फ़र्क है, जब पहले आया था और बाद में आया उसका क्या फ़र्क है, तो ये सब चीज़ें अब देखना है हम, समझा गया, कि इमरजेंस और मतलब जो पहले एक ट्रेडिशनल अप्रोच था और मॉडर्न अप्रोच था, आज जो कंटेम्प्रेरी में गुड गवर्नेंस है उसका मतलब क्या है। अब देखो अब क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, समझ में आ रहा ना भाई। जब तक आपसे पूछे ना कि डेफिनेशन क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तब तक आपको यही समझना है कि गवर्नेंस का मतलब वो पूछ रहा है गुड गवर्नेंस की ही बात कर रहा है, क्योंकि ये जो गुड गवर्नेंस है, पहली बात तो समझो, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस डिफर नहीं करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, उनके लिए गवर्नेंस गुड गवर्नेंस ही, समझ में क्या। वैसे अगर मैं बात करूं अपने इंडिया में, तो हमारे यहां भी गुड गवर्नेंस का भी मतलब अलग अलग हो जाता है। गुजरात के लिए गुड गवर्नेंस अलग चीज़ हो सकता है, केरल के लिए गुड गवर्नेंस अलग हो सकता है। केरल के लिए गुड गवर्नेंस क्या है, हेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा
इम्प्रूवमेंट लाओ, वो उनके लिए गुड गवर्नेंस है। गुजरात के लिए इकोनॉमिक मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस है, समझ में क्या? केरल के लिए हेल्थ मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड जो टर्म है वेरी करेगा अलग अलग में, समझ में क्या? कंटेक्चुअल है ये, सब्जेक्टिविटी होती है इसमें, है ना, आप इंटरप्रिटेशन बढ़ जाते हैं इसमें, क्या है ये सब चीज़ आगे हम देखेंगे। बट अभी इतना क्लियर है आप लोगों को जितना भी ये समझाया, मतलब और रिवॉल्यूशन क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है चलो, इसमें तो एक मिनट बचा है, दूसरा टॉपिक चालू करना है अपन को, काट रहा हूँ, दोबारा से ज्वाइन कर लेना। ठीक है बोलो, ठीक है।